जय स्वामी नारायण एवरीबडी, आप सभी को मेरी तरफ से जय स्वामी नारायण। इससे पहले हमने भाषा की पहली वीडियो में भाषा के बारे में जाना था कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा को समझा था और भाषा के दो रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप में, मौखिक रूप के बारे में हमने जाना था और समझा था। आज हम भाषा की लिखित रूप के बारे में जानेंगे और इसे समझेंगे। भाषा की लिखित रूप है क्या? तो लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप है। जैसे उदाहरण है पत्र लिखना, अखबार पढ़ना। जब भी हम किसी अपने से दूर बैठे इंसान को, आजकल तो ज़माना पत्र लिखने का रहा नहीं, हम आजकल लोगों को ईमेल करते हैं। ईमेल करने के लिए भी आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में टाइप करते हैं, ठीक है। लोगों को मैसेजेस के थ्रू चैट करते हैं, मैसेजेस टाइप करते हैं। अखबार यानी न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, आप अखबार पढ़ते हैं। अखबार नहीं पढ़ते तो कम से कम आप अपनी स्कूल की किताबें पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। पढ़ने से आपको उसमें लिखी हुई चीज़ें समझ में आती है कि वो लिखी क्या है, क्या कहना चाहती है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। लिखने से हमारा तात्पर्य है कि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ें बोल नहीं पाते, क्योंकि जो दूसरा इंसान जिससे हम कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो हमारे सामने नहीं होता, तो हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लिख कर बताते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको पोस्ट कार्ड्स वगैरह देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं। हमसे दूर होता है तो हम उसको मैसेज के थ्रू बर्थडे विश करते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है, चैट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये भाषा के लिखित रूप में आती है, ठीक है। तो भाषा के अलग अलग रूपों में जो दो मुख्य रूप है वो है मौखिक रूप एवं लिखित रूप। मौखिक रूप वो है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। और लिखित रूप वो है जिसमें हम सामने वाले की भाषाओं को या फिर सामने वाले यानी दूसरे लोगों की बातों को समझते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाएँ हमारे लिए क्या है। समझ में आया आप सभी को? अगर कोई परेशानी हो या समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो भाषा ही वो माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरों से कर पाते हैं। अपनी बात समझाना, अपनी बातों को समझाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? बोलकर या लिखकर। हम बोलकर भी अपनी बातों को सामने वाले को समझा सकते हैं और लिखकर भी अपनी बातों को सामने वाले को समझा सकते हैं। सुनकर और पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं। दूसरों की बातें समझना, हमको अगर कोई और लिखकर देता है तो हम उसे पढ़कर जान जाते हैं कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाहता है, या सामने वाले ने जो चीज़ दी उसे पढ़कर हमने जान लिया और सामने वाले ने लिखकर अपनी बातों को हमें बता भी दिया। तो भाषा, एक बार फिर से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से ये भाषा टॉपिक समझाती हूँ और इसके साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे एंड करेंगे। दो सहेलियाँ थी, एक का नाम है मान्यता और दूसरी का नाम है आराधना। आराधना का जन्मदिन था और जब वो मान्यता से मिलने पार्क में आती है तो मान्यता आराधना से कहती है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुमने तो नई नई ड्रेस पहनी है, सुंदर सी टोपी पहनी है, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है या कोई और खास दिन है? तो आराधना उससे कहती, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने नए कपड़े पहने हैं और आज शाम को मैंने अपने यहाँ पे एक छोटा सा समारोह का आयोजन किया है, मेरी बर्थडे पार्टी है, और इसीलिए तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मेरी खास दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हें इन्वाइट करने आई हूँ, मैं तुम्हें आमंत्रित करने आई हूँ, तुम ज़रूर आना। मान्यता भी बहुत खुशी से आराधना से कहती, हाँ बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगी। और जब मान्यता अपने घर जाती है तो वो अपनी खास दोस्त आराधना के लिए एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और उस पर उसकी बर्थडे विशेष लिखती है और एक छोटी सी कविता भी लिखती है। जब आराधना की बर्थडे पार्टी में मान्यता जाती है तो अपना वो प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड वो आराधना को देती है और आराधना जब वो ग्रीटिंग कार्ड पढ़ती है, उस कविता को पढ़ती है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है, उसके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट आती है और वो अपने दोस्त को गले से लगा लेती है। इस कहानी के माध्यम से हमने क्या जाना कि जब पार्क में मान्यता आराधना आपस में बात कर रहे थे तब मान्यता ने कहा, आराधना ने सुना,
और आराधना ने जब अपनी बातों को बोली तो मान्यता ने सुनी। उसके बाद घर आने पर जब मान्यता ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया तो मान्यता ने कविता लिखी, जो सिर्फ मान्यता ने लिखी हमने तो देखी नहीं, लेकिन जब उस ग्रीटिंग कार्ड को मान्यता ने आराधना को दिया तो आराधना ने उस ग्रीटिंग कार्ड को पढ़ा और एक अच्छी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे हमें दिखाई दी, हमने सुना। तो मान्यता ने लिखा और आराधना ने उसे पढ़ा, ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ, उन दोनों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि भाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब भाषा में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण एवरीबॉडी।